और फिलहाल सीधा रुख करते हैं, इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बैठक कर रहे हैं। चाहे वो स्टेट्स में हो, आपको स्टेट्स में हमने 17 जनवरी को जागरूक होने के लिए कहा था और 30 जनवरी को तो पहला केस केरल में आ गया था। तभी से लगातार सभी लोग कोविड के खिलाफ जंग में लगे हैं, बहुत मेहनत से लगे हैं, बहुत हिम्मत से लगे हैं, बहुत धैर्य से लगे हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ लगे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपकी ये जो मेहनत है ये धीरे 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 निश्चित रूप से रंग ला रही है। अभी अगर सारे दुनिया के परिपेक्ष में हम अपने देश की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि शायद सारे दुनिया के सब देशों के मुकाबले हमारे केसेस का नंबर भी और हमारे केसेस का पर मिलियन जो नंबर है या परसेंटेज है वो दुनिया में सबसे कम है। हम मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारी मॉर्टेलिटी दुनिया में 3% के आसपास सबसे कम है। हम अपने रिकवरी रेट की बात करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट भी जो है वो बहुत अच्छा है, दुनिया के मुकाबले हम बहुत बेहतर हैं। अगर मार्च के महीने में लगभग एक महीना 35 दिन पहले अगर हमारा डबलिंग रेट 3 के आसपास 3 दिन था तो आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारा डबलिंग रेट वो आज 9 के आसपास है। मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अगर अपना माइक म्यूट कर लेंगे तो हमको सबको आसानी रहेगी। जैसा मैंने कहा कि आज हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे देश में कहां पर बीमारी है, कहां पर हमारा दुश्मन है, किस इलाके में वो कितना एक्टिव है उसकी हमारे पास संपूर्ण जानकारी है सारे देश के पास। और हमको अब तक ये भी पता लग गया है कि उस दुश्मन से निपटने के लिए उस क्षेत्र में हमको क्या क्या करना है। सारे देश को हमने उन जिलों में बांटा है जहां कोई केस नहीं हुआ है, हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहां 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं और हमने उन नॉन हॉटस्पॉट्स में भी बांटा है डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की एक आध 2-3 केसेस हैं और जहां 15 से ज़्यादा हैं और जहां 15 से कम है उसके लिए भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो वेल डिफाइंड है। इसलिए हम शायद पिछले काफ़ी समय से आज भले ही कोई स्थानों पर केसेस के नंबर बढ़ रहे हों लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एकदम बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए सबसे पहला तो मेरा आप सब से ये अनुरोध है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और जो कंटेनमेंट की सर्वेलेंस की स्ट्रैटेजीज हैं उसको बहुत मेटिकुलस तरीके से हम उसको बहुत गंभीरता से उनको फॉलो करें। सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से भी हमारा अनुरोध है कि वो उसको स्वयं मॉनिटर बहुत डिटेल में करें। हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स, हमारी मेडिकल कॉलेज के द्वारा सपोर्टेड रैपिड रिस्पांस टीम्स और जहाँ जहाँ ज़्यादा तकलीफ है वहाँ विशेष रूप से हमने केंद्र की तरफ से भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डॉक्टरों को भी आपके सहयोग के लिए भेजा है। आपके ऊपर कोई मॉनिटर बनाकर नहीं भेजा है लेकिन आपके सहयोग के लिए, आपकी हैंड होल्डिंग के लिए भेजा है ताकि हमें भी ये फीडबैक मिले कि हम आपकी और बेहतर किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है, लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ाते जाने के बावजूद भी हमारे जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसलिए
बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सबके मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज थ्री में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज थ्री में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें अपने क्लस्टर्स, हमारे इलाके, हमारी तकलीफ कहाँ कहाँ है, इसकी विशेष रूप से जानकारी है। और इस नाते, इस फोकस्ड अप्रोच के साथ अगर हमने आने वाले कुछ सप्ताहों में काम किया, लॉकडाउन हमारे को निश्चित रूप से हेल्प कर रहा है, लॉकडाउन के बारे में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मंत्रियों से विशेष रूप से यह अनुरोध है कि आप लॉकडाउन की गाइडलाइंस को और लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के कारण हमारे को कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसको स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर करिए और अपने अपने स्टेट की लीडरशिप को उसके संदर्भ में आप गाइड करिए। कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसका पालन कराया है, और अगर मैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसको पालन कराने का प्रयास किया, और उसी लेवल का जो एक सख्ती है हमको लगता है कि वो सारे देश के अंदर सब लोगों को करनी चाहिए। तो आपके स्टेट्स में जहाँ जहाँ इसकी कमी है उसको आप पूरा करें। अभी 350 के करीब हम लोगों ने देश में लैब्स स्थापित कर दी हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। आप जानते हैं कि एक लैब से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। अभी इस समय हमारे सारे देश में और विशेषकर स्टेट्स का भी ये कंसर्न है एक एंटीबॉडी टेस्ट के संदर्भ में एक जो है बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। मैं इसके बारे में इतना ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक ये 3 या 4 महीने इस वायरस की आयु है, और इस वायरस के संदर्भ में बहुत सारी नई नई जो रिसर्चेस, डेवलपमेंट्स जो है वो होती हैं, तो जब से ये पता लगा है कि इसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ शरीर में बनती हैं, तो बहुत स्थानों पर उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और उसको हमारे सर्विलेंस को मजबूत करने के लिए, हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडी टेस्ट को प्रयोग करने के लिए कई प्रकार की चीज़ें विकसित हुई हैं। कई देशों ने उनको थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी जैसे ही, जैसे एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नई चीज़ व्यवस्था में आती है तो वो उसका मैक्सिमम लाभ अपने समाज को देना चाहती है, वही सोच हम लोगों की भी रही है। इसलिए हम लोगों ने भी बहुत सारी किट्स को जो है देश के लोगों के लिए तुरंत उपलब्ध कराया, और फिर जब किट्स को उपलब्ध कराया तो उनके इस्तेमाल के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, और उस स्ट्रैटेजी को आप सबके साथ शेयर किया। आपको सबको कहा कि इनको हॉटस्पॉट्स के अंदर इन किट्स का इस्तेमाल करना है, इन एंटीबॉडी टेस्ट को वहाँ पर इस्तेमाल करना है, और फिर जब इस टेस्ट को करना आप सब लोगों ने शुरू किया तो अलग अलग स्थानों से अलग अलग किस्म के हम लोगों को फीडबैक मिले। किसी स्थान ने हमारे को ये फीडबैक दिया कि इसके अंदर हमें 5% की सफलता मिल रही है, तो दूसरे स्थान पे 71% की भी बात आई, कहीं पर 30% की बात आई। यानी एक प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट या उसकी जो किट है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। और जैसे ही ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, हमने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर उसको तुरंत देश को रोकने के लिए कहा, और ICMR ने अपनी जो 8-10 लैब्स हैं वहाँ वो एक्सक्लूसिवली पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में जो है कंट्रोल्ड जो है टेस्ट कर रहे हैं। आज या कल में वो इसके जो उनके नतीजे हैं उनको जो है संकलित करने के बाद हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में सारे देश को सूचित करेंगे। क्योंकि अगर तो कोई चीज़ किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं,
और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। और बाकी इस टेस्ट के बारे में अभी भी, क्योंकि कल शाम को भी मैंने सारे दुनिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे WHO के फोरम पे की है, और वहाँ पर ये कई स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूछा गया, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी अभी तक भी इसके बारे में, टेस्ट के बारे में वो नॉन कॉमिटल है। उनका ये कहना है कि इसको रिसर्च पर्पस से, इसको एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के एंगल से इस टेस्ट को निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में वो भी एक डिटेल्ड अपनी गाइडलाइंस जो है वो प्रस्तावित उनकी है, वो उसको रिलीज करने वाले हैं। तो इस टेस्ट के बारे में जैसा कहा कि भाई अभी आप अपने इस टेस्ट के संदर्भ में कोई अपने मन में और फील्ड में कोई हाइप ना रखें, ना बनाने की कोशिश करें। जैसे ICMR की गाइडलाइन आपको नेक्स्ट मिलती है उसके संदर्भ में आप उसके बारे में आगे बढ़ें। एक विषय जो हेल्थ सेक्रेटरी महोदया ने भी बहुत हाईलाइट किया है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन, मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे डॉक्टरों के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो एक प्रकार से अन्याय हो रहा है, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा था, और इसी प्रकार से कई स्थानों पर जो कोविड के मरीज हैं उनके साथ भी ये स्टिग्मा का इशू आ रहा है कि वो घर में वापस जाते हैं या उनका कोई क्वारंटाइन सस्पेक्टेड पेशेंट्स का होता है, तो उनको जो है समाज को जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। इसके संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी लगातार इस विषय को अपने जो स्टेट में अपने बयान के द्वारा इस विषय को ठीक प्रकार से, ठीक पर्सपेक्टिव में हाईलाइट करें। आप जानते हैं कि इसकी गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए ऐसे 18-19 केसेस पूरे भारत में हुए जहां की डॉक्टरों की, नर्सिस की, उनके साथ जो है फिजिकल वायलेंस और ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी हमारे कैबिनेट ने जो 1899-97 का जो एपिडेमिक एक्ट है उसके अंदर एक अमेंडमेंट करके इस बात को सुनिश्चित किया है कि किसी भी एपिडेमिक के दौरान अगर किसी हेल्थ प्रोफेशनल के साथ किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट, दुर्व्यवहार या वायलेंस की घटना होगी तो उसके शिकायत होने पर 1 महीने के अंदर अंदर SHO लेवल का अधिकारी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और 1 साल के अंदर अंदर 7 साल तक की सज़ा जो है उसके अंदर दी जा सकती है। उसकी उस प्रकार से बहुत सारी डिटेल्स है। तो कानून के माध्यम से भी इस विषय को संज्ञान में लिया गया है। इसको भी आप अपने अपने प्रदेश में इसको जो है निश्चित रूप से सारे डॉक्टरों के बीच में बताएं। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लेकर अपने जो सारे देश के स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका 50-50 लाख रुपए का बीमा जो है इसके लिए कराया है। इवन जो ग्रास रूट पर हमारी आशा वर्कर्स हैं उस लेवल तक, और जो डॉक्टर्स प्राइवेट में भी अगर कोविड के मरीज का इलाज कर रहे होंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स एंडोर्स करेंगी तो उनका भी जो है इस प्रकार से जो है वो बीमा सुनिश्चित होगा। PPEs, N95 मास्क, आने वाले समय में वेंटिलेटर्स, जो नेसेसरी दवाइयाँ हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी स्थितियों को पहले से बहुत ज़्यादा सुधार लिया है। PPE किट जो कि हमारे देश में बनता नहीं था, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि अब इस समय 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है भारत के अंदर इसके लिए तैयार हो गए हैं। 1 दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा PPE किट्स और 1 लाख से ज़्यादा N95 मास्क अभी हम भारत में बना रहे हैं। जो एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स, यद्यपि खुशी की बात है कि रोज़ मैं शाम को जब इवेल्युएट करता हूँ तो बहुत मामूली नंबर जो है वो वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन के ऊपर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी विषम से विषम परिस्थिति के लिए भी हमने वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की।